जामा विधायक सीता सोरेन सीसीएल के आम्रपाली परियोजना के वन भूमि पर परिवहन कार्य को लेकर विधानसभा के समक्ष धरना पर बैठी हुई हैं। हमारे साथ खुद हैं सीता जी। मैडम, इस मुद्दे को आपने बार बार पहले भी उठाया है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। बहुत बड़ी विडंबना है कि आप सरकार में ही हैं, सत्ताधारी दल में ही हैं, उसके बावजूद ये स्थिति है कि आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है। देखिए, ये बहुत आप तक का बहुत लंबा मैटर हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा है कि शुरू से लेकर के अब तक विधानसभा सत्र समाप्त होने को भी चला है। पिछले सत्र में भी मेरा सवाल था, अब सरकार में भी हम हैं ही, लेकिन माने तो विधायक की कुछ सुनी ही नहीं जा रही है। जिस तरह का ये मेरा मैटर था, शुरुआती दौर में हमने जो क्वेश्चन डाला था, गलत जवाब मिला। जबरन इसको सीसीएल ने वन भूमि का अतिक्रमण किया हुआ है, और अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए सरकार से हम भी गुहार लगा रहे हैं बार बार कि उस रास्ते को आज के डेट में बंद किया जाए, क्योंकि बिना एनओसी लिए भारत सरकार से इस तरह का यहाँ पर अतिक्रमण किया गया। एक यही नहीं, अगर देखा जाए तो पूरा झारखंड में अगर जांच किया जाए तो कई वन भूमि का अतिक्रमण किया हुआ है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। यहाँ पर ज़मीन की लूट चल रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये बिना सरकार की मिली भगत से कुछ नहीं चल रहा है। विभाग के मंत्रीगण मिले हुए हैं सीसीएल से, जो है कि आज ये लोग बंद ही नहीं करा पा रहे। और जिस मकसद से हमारा झारखंड को हम लोगों ने बनाया, आज वो मकसद हम नहीं देख रहे हैं कि कहीं भी पूरा हो रहा है। ज़मीन की लूट चल रही है, सीएनटी एक्ट की ज़मीन की लूट हो रही है। विस्थापित आज भी यहाँ रोना रो रहे हैं। तो झारखंड को लूटखंड से बचाना है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही। मैं वही पूछ रहा था कि ये विडंबना है कि आप सोरेन परिवार से आती हैं, आप गुरुजी के सपनों को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, दुर्गा जी के सपनों को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, इसके बावजूद ये नौबत क्यों आ रही है? अब क्यों आ रही है, आप तो इसको मंत्री जी से ही पूछिए, सरकार से आप भी पूछिए, थोड़ा मेरी मदद कीजिए आप। चलिए, इस मुद्दे को अब तो क्योंकि सदन भी अब आखिरी है, क्या लगता है कुछ समाधान हो पाएगा? समाधान होना चाहिए, नहीं तो हम इस पर आगे बढ़ते रहेंगे। जनता ने जिसके लिए हमको भेजा है कि आवाज़ उठाने के लिए सही चीज़ों को लेकर के, अगर हम वो काम ही नहीं करा पाएंगे तो फिर तो हमको हाउस छोड़ देना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये थी सीता सोरेन जी, और इनका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर वो सदन के बाद भी, सदन सत्र के समापन के बाद भी इस मुद्दे को लेकर आंदोलनरत रहेंगे। सहयोगी पूजा के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार रांची। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।